हर डिपार्टमेंट जो है हमारा, ये बात सही जैसे बिट्टा जी ने कहा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ के कलाकार यहाँ के फिल्मों में काम कर रहे थे, खिलाड़ी खेलना चाह रहे थे, हम पसंद करते थे उनको, उनके म्यूजिशियन यहाँ के सब लोग हो रहा था। लेकिन क्या करें, एक समय आता है जब आपको कहीं ना कहीं स्टांस तो लेना पड़ेगा, एक मैसेज भेजना पड़ेगा। हर चीज़ का जो भी शुरुआत होती है इतने गलत इतने सालों से हो रहा है, लेकिन हमारे जो स्पेशली जो हमारी जनता है, हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, इन्होंने हमेशा वही रास्ता अपनाया जो उनके दिल ने कहा। दिल ने यही कहा कि ठीक है वो चीज़ें हो रही हैं बॉर्डर पे, लेकिन इंसानों को इंसानों से मिलते रहना चाहिए, कलाकारों को आपस में मिलते रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अब ये एक ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ हम सबको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। वो किसी कलाकार के खिलाफ नहीं है, किसी पाकिस्तानी कलाकार के खिलाफ नहीं है, वो उस देश के खिलाफ है जिस देश से हम लोगों को तकलीफ पहुँच रही है। और किस किस्म की, हमारे फौजी लोग सो रहे हैं, आपने बंदे भेज दिए और उनके ऊपर वार कर दिया आपने। इस तरह की जब ये नौबत आ जाए तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तानियों को जो जिस किस्म का भी हमारा लिंक है उनके पाकिस्तान के साथ में, हमें उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। और हमें अपने देश के साथ, अपनी सरकार के साथ, अपने फौजी भाइयों के साथ, जितने भी हमारे वहाँ पर हैं, CRP है, BSF है, उन सब के साथ हमें एकजुट होना पड़ेगा और एक ही बात कहनी पड़ेगी कि हम सब साथ हैं इस बात को लेके कि पाकिस्तान को अब शर्म आनी चाहिए, उसे अब वो रास्ता अपनाने चाहिए जो देशों आपस के देशों के रिश्ते बने, बिगड़े नहीं, ख़राब तक कर दिया उन्होंने, यहाँ तक कर दिया कि सारा देश एक हो गया, कि हम जैसे लोग जो एक दूसरों से मिलना चाह रहे थे आज वो नहीं चाहते कि हम एक दूसरों को मिलें और एक साथ काम करें। तो मुझे लगता है कि जो भी देश का और सारी इंडस्ट्री का यही फैसला होगा जो देश का फैसला। साथ ही जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से पाकिस्तान को एक टेररिस्ट नेशन घोषित करने की जो बात चल रही है, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जो सरकारें हैं, देखिए कुछ चीज़ें हैं, मैं उसके लिए बहुत छोटा हूँ, जो सरकारों को डिसीजन बहुत पहले से ले लेने चाहिए थे, क्योंकि ओपनली है। अब कारगिल की वार को आप कैसे छुटला सकते हैं कि हम लोग नहीं लड़ रहे थे, कोई टेररिस्ट लोग लड़ रहे थे? अरे ज़मीन किसकी थी भाई, ये कैसे इसे कैसे छुटला सकते हैं? आपकी ज़मीन में से लोग फायर कर रहे हैं और आप कहें हम नहीं हैं, ये कोई और हैं, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया जब हमें सच को सच और झूठ को झूठ कहना पड़ेगा। तो ये हालात बना दिए आपने, तो मुझे लगता है कि जो भी सरकारें कर सकती हैं उन्हें करना चाहिए, क्यों नहीं, बिल्कुल 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 जायज़ है वो। अब लगता है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना ही, युद्ध करना ही एक रास्ता बचा हुआ है या दूसरे तरीके से भी हैंडल किया? अरे बहुत तरीके हैं, सरकारों के पास बहुत तरीके होते हैं, सिर्फ अब इच्छा शक्ति चाहिए होती है, इतने तरीके होते हैं। आज जो प्रॉब्लम वहाँ चल रही है उसे ना समेट के, जो POK है हमारा उसको ना समेट के, सिंध है या बलूचिस्तान का जो मामला है उसे ना संभाल के अब दूसरे देश के अपने हिस्सों को तोड़ना चाहते हैं, ये कहाँ की बात है? पहले अपना आप तो देख लीजिए, उसे तो संभाल लीजिए, तो आप दूसरों के लिए इंसाफ क्यों ढूंढने जा रहे हैं? पहले अपने घर वालों को इंसाफ दे दीजिए। तो मुझे लगता है ये बातें हमको सोचनी पड़ेंगी, ये जनहित में, ये पाकिस्तान के आवाम के हित में, ये मेरे हित में नहीं है, ये हिंदुस्तान के हित में नहीं है कि वहाँ का बलूचिस्तान में शांति हो या सिंध में शांति हो, वो आपस में रहें, ये उनके हित में है। तो मुझे लगता है ये सोच सबसे पहले होनी चाहिए पाकिस्तान की, कि पहले अपने लोगों को संवारें, अपनी स्टेटों को संभालें, बजाय इसके कि हमारे कश्मीर को, कश्मीर में क्या है सब देखा हमने। इससे पहले कुछ महीने पहले इलेक्शंस हुए थे, 80% लोग बाहर आते हैं, उन्होंने वो किया है, उसके बाद आपने क्या लोगों के दिमाग भरे हैं ये आप जानते हैं। देखिए मैंने जवाब दिया उस बात का, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके अपने स्टैंड्स होते हैं, और खैर शिवसेना और मनसे साहब तो शुरू से ही इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी लोगों ने ये कोशिश की कि दिल से दिल मिलते रहे। लेकिन अगर उसमें अगर इस वक्त ये टाइम आ गया कि हमें कहना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ों अवॉइड करनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है ज़रूर करनी चाहिए। हिंदू वाटर ट्रीटी है जो विड्रॉ कर देना चाहिए, आपके अनुसार क्या कहना चाहिए? देखिए इसके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि अगर ये जो मैंने ये सिर्फ मानवता के नाम पे हमारे बहुत सारा शेयर जो है उनको उनकी तरफ जा रहा था, अगर मुझे लगता है कि ये जब यहाँ तक आप पहुँच गए कि हमारा गला दबाया जा सकता है, हमारा गला काटा जा सकता है, हमारे सोए हुए सोल्जर्स के ऊपर हमला किया जा सकता है, तो हमारा पानी क्यों जाए वहाँ पर? तो मुझे लगता है जो भी सही काम है हमारे देश कर सकता है हमें ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सर क्या कहना चाहेंगे उरी आतंकी हमले में, आपने आप श्रद्धांजलि दी? यस, मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात जो लगी, जो धर्म गुरु उन्होंने महसूस किया तो यहाँ पहुँचे, उन्होंने सबने उनको श्रद्धांजलि भी दिया, और साथ में जो उन्होंने धनराशि की बात की वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी पहल बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए कि अब जो हो रहा है देश में वो कितनी दूर तक पहुंच गया कि धर्म गुरुओं को भी इस बात का तकलीफ पहुंची है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। सर आपकी प्रतिक्रिया देना चाहे पाकिस्तान तो मुझे लगता है कि सारी तरह की कोशिशें हुई हैं,
इतने सालों से ये सब हो रहा था, उसके बावजूद भी हम लोग आपस में खेल रहे थे, एक दूसरों की फिल्मों में काम कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। शायद अब समय आ गया है कि जब हमें सब लोगों को एक होकर ये बात करनी पड़ेगी कि जहाँ तकलीफ़ है और ये मालूम पड़ता है मेरी वजह से है, तो वहाँ जवाबदेही तो होनी पड़ेगी आपकी, आपकी जवाबदेही है ये कहना कि मेरी वजह से ये तकलीफ़ हो रही है। तो यही हिंदुस्तान चाह रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि हर आदमी का एक अपना तरीका है, हम सब एक्टरों का भी एक तरीका है। हम यही कहेंगे कि ये चीज़ें बहुत साल तक बर्दाश्त की लोगों ने, इसे हमेशा मिलते रहे, एक दूसरे से कोशिश भी करते रहे और ये अच्छी बात भी रही, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब एक समय है जब हमें एक स्वर में होकर ये बात बोलनी पड़ेगी। हिंदू पानी ट्रीटी, वाटर ट्रीटी है जो भारत देता गया है हमेशा पाकिस्तान को, क्या इसको विड्रॉ करें, क्योंकि ये मांग लगातार लग रही है, आप देख रहे हो टीवी चैनल में लगातार। देखिए, मुझे जो थोड़ी बहुत समझ में आई है कि हमारा बहुत सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो सिर्फ मानवता के हिसाब से पाकिस्तान को दिया जा रहा था, उनका शेयर उतना नहीं था जिससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिया जा रहा था। अगर हम उसे अपना शेयर जो है कम कर देते हैं या अपना ले लेते हैं उस पानी का, सबसे बड़ी बात है कि उस पानी का हम सही इस्तेमाल करें। अगर ऐसा होता है तो हमें करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।